और बी ने भी 25 किलोमीटर की दूरी तय किया। ठीक, ए ने 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में 15 मिनट लिया और बी ने 25 किलोमीटर दूरी तय करने में 12 मिनट लिया। ठीक, तो यहां पे अगर हम इस दोनों में देखें कार्य कार्य कौन कम किया कौन ज्यादा किया, तो यहां पे हम ये देखते हैं ए वाला व्यक्ति 25 किलोमीटर गया, बी वाला भी व्यक्ति 25 किलोमीटर गया है, तो हम कह सकते हैं कि कार्य ए ने और बी ने कार्य दोनों बराबर किया, ए ने कार्य जो किया वही कार्य बी ने भी किया। ऐसा क्यों? क्योंकि ए 25 किलोमीटर ये भी गया है और बी भी 25 किलोमीटर गया है, बस डिफरेंस दोनों में किसका है? समय का। डिफरेंस हमारा समय का है, ये 25 किलोमीटर दूरी 15 मिनट में गया और ये 25 किलोमीटर दूरी 12 मिनट में गया, तो यही जो डिफरेंस है समय का डिफरेंस है और यही डिफरेंस हमें सामर्थ्य का बताता है। अतः हम कह सकते हैं कि सामर्थ हमें यह बताता है कि जो हमारा कार्य हो रहा है वो किस दर से हो रहा है, मतलब कार्य जो किया जा रहा है वो समय के साथ किस दर से किया जा रहा है, कितनी रफ्तार से किया जा रहा है, इसी का माप करना हमें सामर्थ्य कहलाता है। तो सामर्थ्य को हम लोग मापते हैं कार्य बटे समय से, अर्थात कि जो हमारा कार्य हो रहा है वो पर समय पर सेकंड के साथ कितने वेग से, मतलब प्रति समय के साथ किस दर से हो रहा है हमारा कार्य, यही हमारा सामर्थ्य कहलाता है। तो सामर्थ्य को हम लोग इसमें पावर कहते हैं, पावर यहां पर हमारा पी हो जाएगा और वर्क इसका डब्ल्यू हो जाएगा, समय हो गया टी। तो हम कह सकते हैं W=P=W/T। तो यहां पे हम टी को मान लेते हैं, जो हमारा टाइम है वो एक सेकेंड का हुआ, तो कह सकते हैं कि कोई करता है, कोई करता एक सेकेंड में कितना कार्य कर रहा है, कोई करता एक सेकेंड में कितना कार्य कर रहा है, उसी का माप हमारा सामर्थ्य कहलाता है। ठीक, ये था हमारा सामर्थ्य का डिफिनेशन। तो हम लोग इसको मात्रक में निकालते हैं, इसका यूनिट मापते कैसे हैं इसको, तो हमारा जो सामर्थ्य है वो निर्भर करता है कार्य और समय पर, अगर हम समय न लगाएं तो हमारा जो सामर्थ्य है उसकी गणना हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि सामर्थ्य का जो मात्रक होता है, सामर्थ्य निर्भर करता है कार्य और समय पे, तो हम कह सकते हैं सामर्थ्य का मात्रक अर्थात कार्य का मात्रक बटे समय का मात्रक, तो कार्य का मात्रक हमारा हो गया जूल और प्रति समय का मात्रक हो गया हमारा सेकेंड। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सामर्थ्य है उसका जो यूनिट है वो होता है जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड होता है, और एक जो जूल प्रति सेकेंड है इसी हम एक जूल प्रति सेकेंड को एक वाट भी कहते हैं, तो एक वाट जो होता है वो एक जूल प्रति सेकेंड के तुल्य होता है। अब हम जैसे अगर मानना चाहें कि एक वाट है क्या, अगर हम एक जूल एक वाट को डिफाइन करना चाहें कि एक वाट कब होता है, एक वाट कब होगा आपका, तो मान लीजिए जो आपका कोई वर्क करने वाला है, कोई करता है, वो अगर एक सेकेंड में, यहां पे जो हम टाइम दे रहे हैं, यदि वो एक सेकेंड में एक जूल कार्य कर दे, वो करता जिस जो कार्य कर रहा है अगर वो एक सेकेंड में एक जूल कार्य कर दे तो उसकी सामर्थ्य जो होगी वो एक वाट होगी। अब मान लिया जाए अगर वो एक सेकेंड में 15 जूल कार्य कर रहा है तो उसकी सामर्थ्य, तो उसकी जो सामर्थ्य होगी वो 15 वाट के बराबर हो जाएगी। ठीक, इस तरह से हमारा ये वाट का परिभाषा था, हम कह सकते हैं। लेकिन सामर्थ्य का जो हमारा मात्रक होता है ये सबसे छोटा मात्रक होता है वाट, लेकिन मान लीजिए अगर हमें सामर्थ्य के बड़े स्तर पर इसको मापना हो, तो सामर्थ्य के बड़े स्तर पर मापने के लिए हम बड़े पैमाने का यूज करते हैं। तो बड़े पैमाने में हमारा आता है जैसे आ गया हमारा किलोवाट, किलोवाट आ गया, तब एक जो किलोवाट होता है वो 1000 वाट के बराबर होता है। ठीक, अब अगर इससे भी बड़ा आपको माप करना है तो इससे बड़ा मापने के लिए हम लोग मेगावाट का यूज करते हैं, तो
एक मेगावाट जो होता है वो 10^6 वाट के बराबर होता है, अर्थात 1,10,00,000 के बराबर होता है। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं एक अश्वशक्ति होता है, तो एक अश्वशक्ति जो होता है हॉर्स पावर बोलते हैं इसको, हॉर्स पावर होता है, तो एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। इस तरह से ये हमारे बड़े मात्रक होते हैं, लेकिन अगर हमें किसी वक्रता या किसी यंत्र की अगर हमें छोटे मात्रक और उसकी सामर्थ्य बहुत कम है तो कम सामर्थ्य को बताने के लिए हम लोग वाट का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर उस यंत्र की सामर्थ्य अधिक है तो उसकी सामर्थ्य को अधिक बताने के लिए हम लोग बड़े सामर्थ्य वाले बड़े मात्रक का प्रयोग करते हैं। तो बड़े मात्रक हमारा किलोवाट, मेगावाट और